एक्सपीरियंस तो एक बुक लिख सकते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने का एक मौका मिला और काम करने का। और सी जो फिल्म्स जो हैं और रोल्स जो हैं नए नहीं हैं, क्योंकि साउथ में तो बहुत सारे करते हैं हम और लीड करते हैं, एक्ट करते हैं। सो कल्चरल वर्क कल्चर जो है इधर थोड़ा डिफरेंट है, तो उस माहौल का इंट्रोडक्शन होता है और इतने लोगों से मिलना, नए नए यू नो कुछ करना, वो है एक्सपीरियंस मैम। एंड बहुत मिला है, बहुत बहुत मिला है एक्चुअली दैट वे, बहुत प्यार मिला है, बहुत दैट वे आई कैन से दैट कीप द मनी असाइड, आई थिंक आई एम द हाईएस्ट पेड राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, बहुत मिला है सबसे। सच बोलो कि झूठ बोलो, सच ही बोलो। ओके, तो मुझे प्रिपरेशन जो किया है मैंने, आई थिंक वो कुछ मुझे डील करना था सलमान खान के साथ में। मैं अगर आपको बोलूँगा कि बाली सिंह का कुछ तैयारी किया है मैंने, तो शायद सच नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे फिल्म्स देखा हूँ सलमान खान के साथ, सलमान खान के साथ सर सा फिल्म, और सर का फिल्म में जो मुझे पसंद आता है वो है उनका स्वैग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, वो तो साथ में आता है ना, एक पैकेज है उधर उधर आ जाता है तो वही आते हैं। तो मैम इफ यू नीड टू लुक इक्वल, अगर इक्वल नहीं दिखेंगे तो आपका कैरेक्टर जो है बहुत छोटा दिखेगा, और जो छोटा है उसको तो वो आसानी से डिफीट कर लेंगे। टू इफ चुलबुल कैरेक्टर, इफ सलमान सच कैरेक्टर हैज टू लुक बिग, दैट मीन्स आई नीड टू डील विथ हिम, दैट इज व्हाट आई हैड इन माइंड। सो मैं ऐसा कुछ रीजन का कैरेक्टर बनाया नहीं मैं कि ऐसा करो ऐसा, लाइक आई स्पोक टू प्रभु सर, वी हैड अ चैट, आई इंक्रीज द स्वैग टू एटीट्यूड टू वॉट एवर इट इज 10 times मोर, और जो पर्सनालिटी मेरा भी है उसको भी डाल के ना, तो ऐसा किया कि मैं आई नीड टू कॉन्फ्लिक्ट दैट, इट्स नॉट ईजी। सी व्हाट आई एम सेइंग इज बिकमिंग अ कैरेक्टर, एंड प्रॉब्ली अब आप दुनिया के बेस्ट एक्टर होंगे, लेकिन कभी विथ यू एक्टर्स यू नीड टू डील विथ देम पर्सनली, दे हैव अ कैरेक्टर टू देमसेल्व्स, वो जो आ जाता है स्क्रीन पे, अगर वो नहीं डील करेंगे तो कैरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो व्हाट यू गोना सी बाली सिंह इज एग्जैक्टली अ रेप्लिका ऑफ सलमान खान सर्स पर्सनैलिटी। हर शुक्रवार को हर किसी का हिलता रहता है, तो सुपर स्टारडम क्या है एक्चुअली मैं मानता नहीं हूँ उसे। हाँ, नाम कमाए हैं हमने फिल्म्स में, फिल्म्स देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो खुश हैं, उसके बारे में कोशिश रहता है कि आप इधर से कहाँ जाए, कैसे बढ़ाएं मार्केट, कैसे बेटर फिल्म्स करें। तो आई थिंक दैट इज़ द फाइट एवरी डे, हाउ टू गेट बेटर। स्टारडम दिस फ्राइडे इज माई, नेक्स्ट फ्राइडे समबडी एल्स इज माई, तो उसको इतना सीरियस नहीं ले रहता मैं। मैम माई मी एक्सेप्टिंग टू डू दिस रोल हैज गॉट टू रीजन्स मैम। वन बिकॉज द वो जो रैपो मैं शेयर करता हूँ सर सर के सोशल भाई के साथ और इनके साथ वो है, और दूसरा जो है अगर इनका क्रेज उधर भी नहीं है तो वाई वुड एनी बडी डू एनी थिंग मैम, ऐसा नहीं है। एंड कुछ तो वजह है कि वो सलमान खान है। आपने कितना अप्रिशिएट किया, आपको कौन सी फिल्म
मीका फिल्म्स में मुझे बहुत पसंद थी। मैं थोड़ा ये जॉनरा लाइक करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बजरंगी भाईजान और सुल्तान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा अलग दिखाए हैं उनको, इमोशनली दिखाए हैं उनको, जो वो पर्सनली है, यू नो, ही इज़ डेफिनेटली नॉट चुलबुल पर्सनली। इफ़ यू लुक एट हिम, ही इज़ वेरी मच अ सुल्तान और अ बजरंगी, वेरी अ मैन फुल ऑफ हार्ट, ही इज़ वेरी इमोशनल, ही डजंट शो इट, ही इज़। सो मुझे एक्चुअली आई कनेक्ट टू सच फिल्म्स ऑल्सो, सो आई थिंक मुझे बहुत पसंद आई। संतोष शुक्ला इज सी। अगर आप दिमाग में रखे जाएंगे कि सलमान खान के खान सर के साथ काम करना है, कैसा है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो आई थिंक वो पर्सनल इशू है जो हम दिमाग में प्री कंसीव्ड करके जाते हैं कि एक्चुअली वैसा नहीं है, वो बहुत सिंपल है, लाइफ को भी बहुत सिंपल लेते हैं। तो अगर सेट पे जाएंगे तो एक्चुअली बहुत सिंपल करते हैं, वो सेल्फलेस है, ऐसा नहीं कि अगर आपके दिमाग में कुछ है, नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, इनको ये करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम उधर है। अगर आप जेन्यूनली जाएंगे, जेन्यूनली कोशिश डालेंगे, अच्छे हैं तो अच्छा ही आएगा। बट यू नो, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, सो वी हैड प्लेंटी ऑफ डिनर्स टुगेदर, प्लेंटी ऑफ टाइम वी स्पेंट, सो अच्छा, बहुत अच्छा है एक्चुअली। आई पर्सनली जैसे स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ पता भी नहीं है मुझे, ऐसा लगता है 2 दिन पहले आया था इधर फर्स्ट डे शूटिंग के लिए, ऑलरेडी ख़त्म हो गया पिक्चर। हाँ, वो तो एक फ्रेंचाइजी है जो वो लिख रहे हैं, तो चलेगा ना। अगर इन सी दबंग जब बनाए थे, ऐसे नहीं कि ये सोच रहे कि दबंग 2 बनेगा, दबंग 2 के टाइम में ये नहीं सोच रहे थे दबंग 3 बनेगा ना, तो अगर चल रहा है तो चलेगा, आई एम श्योर। मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं है बोलने के लिए, काम करते हैं बस, वो काम उसको पसंद आ जाएगा तो और कुछ करने की कोशिश करेंगे बस।